आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, हमको प्रोग्रेस करनी है, प्रोग्रेस करनी है, हमको आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है। और ये कहाँ से शुरू हुआ और उसका क्या, अब उस पर थोड़ा मजाक की बात है, पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट चलता है हॉलीवुड के द्वारा कि हॉलीवुड का हीरो ऊपर चढ़ गया, उड़ रहा है, आयरन मैन बना, फिर सुपरमैन बना, और फिर पूरी दुनिया में हर जगह अमेरिकन एंटरप्राइज ये, और जब यहाँ पे लोग आते हैं तो लोग बोलते हैं आप यहाँ पे क्यों आए, असलियत कुछ और होती है। एंड एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज सोल्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, और मैं भी उसमें कैरिड ओवर हुआ जब मैं यंग था, और उस समय भारतीय परिस्थिति कुछ और थी। लेकिन आज हम इसके इतिहास के बारे में सुनेंगे। योर फेवरेट गेस्ट प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के द्वारा, वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। नमस्कार जी। ये जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी करती थी, यानी मैंने थीसिस सबमिट की थी 84 में, यानी आज से 40 साल पहले, तब मैंने इस विषय पर बहुत सोचा था। इस पर एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, और एक पुस्तक पढ़ी थी व्हाट इज हिस्ट्री, ईएच कार की, इसके ऑथर का नाम नहीं याद। मैं तब से इस पर एक छोटी सी पुस्तक स्वयं लिखना चाहती थी। आज 40 साल बाद मैं इस विषय पर आपके यहां भाषण दे रही हूँ, और मैंने एक पीएचडी थीसिस कराई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसमें 8-10 पेज मैंने खुद डिक्टेशन दिया था, वो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर पर, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर जो पब्लिक सेक्टर में है, उस पर कुछ थीसिस थी, तो इस आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पर बोला था, और 40 साल बाद आज बोलूंगी। दर्शकों को बहुत आनंद आएगा। मैं एक कॉमेडी रूटीन सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और एक अफ्रीकन बात कर रहा था कि मैंने अफ्रीका में रहकर स्वाहिली नहीं सीखी, मैंने कोई अफ्रीकन लैंग्वेजेस नहीं सीखी, इंग्लिश सीखा, विलियम्स की स्टोरी पढ़ी, और मैंने ब्रिटिश मोनार्क्स का इतिहास पढ़ा, और जब मैं इधर आया इंग्लैंड, मतलब वो बता रहा है, वो केन्या का लड़का है, जब केन्या कॉमेडियन है एक्चुअली, जब मैं इंग्लैंड पहुंचा तो मुझे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, बोलते पूरी जिंदगी तो आपने यही सिखाया मुझे, अब मैं इधर आ गया हूँ तो आप बोल रहे हैं क्यों आए हो, अगर जापान ही सिखाती तो मैं जापान जाता। तो उसने ये बताया, बट वेरी रेलेवेंट टू आवर टॉपिक टुडे, रेलेवेंट टू आवर टॉपिक टुडे, कि द वे द वेस्ट ने जिस तरह हम लोगों को बेचा कि पश्चिमी देश अच्छे हैं, और मैं भी पश्चिमी देश में बैठा हुआ हूँ, पश्चिमी देश अच्छे हैं, अमेरिका अच्छा है, बाकी सब देश बेकार है, और किस तरह अमेरिकन को सिखाया जाता है यू आर द बेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, बोला जाता है। एंड फिर जब ये अमेरिकन, इनके लिए क्या फॉरेन का कंट्री ट्रैवल होता है सिर्फ यूरोप, बट व्हेन दे गो टू एशिया दे गेट शॉक्ड कि जो पढ़ाया था वो तो उल्टा ही निकला, इनको सिखाया गया भारत तो सपेरों की भूमि है, लेकिन जब भारत जाते हैं दे आर शॉक्ड एट द डेवलपमेंट। कितने वीडियोज बन रहे हैं आजकल तो, कि देख रहे हैं जब हाईवे जब देख रहे हैं इंडिया के, तो बोलते हैं अमेरिका तो गांव लगता है आजकल। सो व्हाट डिड दे सेल एंड व्हाट वाज देयर इंटेंशन, क्या बताना चाहते थे और क्या बेचना चाहते थे ये लोग, इस पे थोड़ा शुरू करते हैं, फिर आप मुझे इतिहास बताइए इसका। देखिए, पहले तो ध्यान दीजिए, वेस्ट कहना इन्होंने क्यों शुरू किया भाई, यूरो अमेरिकन, यूरोप नाम भी नया था, यूरोप नाम इन्होंने लिया अपना पिंड छुड़ाने के लिए डार्क एजेज वाली क्रिश्चियनिटी से यूरोप का नाम गढ़ा। अब यूरो अमेरिका भी तुमको कहने में लज्जा आ रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशा बोधक, और एक किससे पश्चिम किससे पूरब, जिसको वेस्ट कह रहे हो वो जापान के तो पूरब में है ना, और हमारे पश्चिम में तो अफ्रीका भी है। तो पहली बात, इनको, हम लोगों को, ये अपने को जो कहते हैं वो इनकी अपनी समस्याएं हैं। तो पहली बात तो हमको देखना होगा कि हम इनको यूरो अमेरिकन कहें या केवल यूरोपियंस कहें, जो भी कहें, तो इनको समझने के लिए हम लोगों को ये 1500 साल का
जो चर्च ने नारकीय पीड़ा दी है इनको, विभत्स पीड़ा इनको दी है, इनके साथ चर्च ने जो नृशंस अत्याचार किया, इनके साथ मतलब यूरोपियंस के साथ, जिनको कन्वर्ट करके ईसाई बनाया उनको जो नृशंस पीड़ा दी है, इसको चित्त में ध्यान रख के, इसको आधार बनाकर जब हम लोग कोई भी चर्चा करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि ये इतनी मूर्खतापूर्ण, इतनी इडियोटिक, इतनी अवास्तविक किस्म की बातें क्यों करते हैं। दो चीज होता है, एक इनसाइडर्स व्यू और एक आउटसाइडर्स व्यू। तो जो शब्द अपने लोग दोहराते हैं वो यूरो अमेरिकन चर्च, चर्च से प्रताड़ित, चर्च से विद्रोह करने वाले, चर्च को तोड़ने वाले, चर्च को फैलाने वाले लोगों की भाषा है। वो इनसाइडर्स वॉइस है, इनसाइडर्स परसेप्शन है, इनसाइडर्स अंडरस्टैंडिंग है। तो वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा काम उससे नहीं चलेगा, क्योंकि हम मतलब सारे संसार के नॉन चर्च के लोग स्वयं तो गुजरे ही नहीं है, हमारे अनुभवों के आधार पर उस भयंकर पैशाचिक हिंसा का अनुमान लगाना और कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं। जैसे मैं कुसुमलता, मैंने 75 से कम 75 से बाबूजी की लाइब्रेरी में यूरोप को पढ़ना शुरू किया, तो अब कह सकते हैं मुझे 50 साल हो गया। 50 साल में कितना पढ़ा होगा, और मेरे जैसा पढ़ाकू आदमी। अभी एक खबर पढ़ा, वो खबर मैंने शेयर किया है शायद कुछ लोगों से। वो खबर ये था कि जब नेपोलियन का वॉर खत्म हुआ वो 1815 में, तो उस लड़ाई के होने और खत्म होने का लाभ इंग्लैंड को क्या मिला। आई एम नॉट एबल टू बिलीव स्टिल, बट स्टिल आई एम नरेटिंग इट। लाभ ये मिला, वो संदर्भ था रूस यूक्रेन वॉर का, कि रूस को क्या लाभ हो रहा है, कि साहब युद्ध में जो मारे गए उन सैनिकों और बाकी लोगों का डेंचर तोड़ दिया गया, मार दिया गया, शव पड़ा है, सड़ रहा है शव, वो डेंचर तोड़ के इंग्लैंड गया और बाकी जगह भी गया होगा, और वो लोगों के दांत को लगाया गया। इसी तरह जो मरे हुए, सड़े हुए, विकृत लाश हैं मनुष्य के और घोड़े और बाकी जानवरों के, उनकी हड्डियों को निकाल निकाल कर, अब लाश में से, सड़ी लाश से हड्डी निकालने की कल्पना, या वो लाशें सड़क, मतलब सड़क नाम की चीज तो है नहीं, खुले में उस ठंडे मुल्क में जहां बर्फ है, पानी है, वहां कब इतनी सूख गई कि उसकी हड्डियां बाहर हो गई, क्योंकि जलाते तो ये है नहीं, और लाखों लोगों को दफनाने का, गाड़ने का कोई सवाल नहीं, खुले में पड़ी हुई है लाश, जो भी स्थिति है उसको मैं खोजूंगी। तो उन हड्डियों को भेजा गया जगह जगह, इंग्लैंड का वर्णन था, तो उससे जो खाद बनी, अब हड्डियों से खाद बनाने में, हड्डियों को चूरने में तोड़ा होगा, चूरा होगा, फिर सड़ाया होगा, फिर खेत में डाला होगा, उस खाद से पैदावार बढ़ गई। अब ऐसी कोई भी पैशाचिक कल्पना एशिया के लोग, अफ्रीका के लोग, दोनों अमेरिका के लोग, यानी मूल नेशंस, मूल लोग कर ही नहीं सकते। तो आपने जो विषय कहा उसको आज वाले विषय से जोड़ते हुए हम ला रहे हैं कि भाई यूरोप में ही
या यूरो अमेरिका दुनिया में ही विकास की बात क्यों हो रही है, डेवलपमेंट की बात क्यों हो रही है, ग्रोथ की बात क्यों हो रही है, प्रोग्रेस की बात क्यों हो रही है और जगह क्यों नहीं हो रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये इसलिए हो रही है कि चर्च की इस पैशाचिकता के कारण जीवन, सामान्य मानवीय जीवन बिलो पावर्टी लाइन या पावर्टी लाइन का मामला नहीं है, पावर्टी लाइन तो उनकी नॉर्मल लाइन है 90% लोग, लेकिन वो पावर्टी लाइन इतनी भयंकर है, ऐसी बीभत्स है, जिसका एक उदाहरण मैंने दिया था कि भाई 19th century में इंग्लैंड जो उनका सबसे विकसित है, इसकी जेलें उफन रही है और उसमें जो अर्बन थेफ्ट है, अर्बन क्राइम है, उसमें मेजर हिस्सा रोटी चुराने का है। यानी मिड 19th century में यूरोप में इंग्लैंड में लंदन इतना भयंकर कंगला है कि उसके लोगों को खाने को नहीं है, वो जेल में है और उनको ले जाके पटक रहे हैं सात समुद्र पार, अपने लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को, सिटीजन्स को, चर्च वाले ईसाइयों को कहां ले जाके पटक रहे हैं, सात समुद्र पार ऑस्ट्रेलिया में अपने लोग के यहाँ। तो भारत के एक द्वीप अंडमान में जब ले जाते हैं तो उसको काला पानी की सजा कहते हैं और कहते हैं जी काला पानी की सजा इसलिए हुई क्योंकि हमारी राजनैतिक अधीनता हो गई थी, उसका हमको दंड मिला। लेकिन ये इंग्लैंड के नागरिकों का मिड 19th century में विक्टोरिया के शासन में वस्तुतः काले पानी में ले जाकर वहां पटक रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट इसलिए वहां है कि वहां भयंकर आर्थिक नरक, वहां भयंकर सामाजिक नरक है। धार्मिक शब्द का तो वहां प्रयोग ही नहीं है, भयंकर पाप का, मजहब का, रिलीजन का नरक है, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जितने शब्द आप सोच ले, सांस्कृतिक, कल्चरल, ये सब तरह तरह के नरक हैं। इस नरक से निकलने की अब बात, तो पहली बात क्या होती है, स्वर्ग यही बनाई, क्यों, ये धरती तो चर्च की जो कथा है, चर्च के मानसिक पागल, मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रीस्ट लोगों की खोपड़ी से जो न्यू टेस्टामेंट की कथा है, उसमें धरती पर स्वर्ग से ढकेल दिया गया है। वो कहानी मैं आज नहीं बता रही हूँ, एडम को और ईव को श्राप देने के कारण, जो श्राप दिया गॉड ने, क्योंकि वो शैतान, वो एडम एंड ईव का जो आपसी शारीरिक संपर्क होता है, जो काम संबंध होता है, जिसको ये एप्पल कहते हैं, वर्जित एप्पल खा लिया है वगैरह। तो ये धरती नरक है, कहां, चर्च के अनुसार। श्राप की उस कथा में, न्यू टेस्टामेंट में आप पढ़ेंगे तो यहाँ कांटे हैं, सर्प है, रेगिस्तान है, यहाँ पर सूखा है, प्यास है, भूख है और पता नहीं क्या क्या उनका वर्णन है। तो स्वर्ग यही बनाएंगे। इसी के साथ 8वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में जब आइडिया ऑफ प्रोग्रेस आता है, तो 8वीं से 20वीं 1200 साल, इस 1200 साल में ये मिडिल एजेस जिसको कहते हैं, 800 से कोई 1500, कोई 1600, कोई 1700, कोई 1800 तक कहता है डार्क एजेस, क्योंकि 18वीं 19वीं शताब्दी को
ये एनलाइटनमेंट का एरा कहते हैं, ये मॉडर्निटी का एरा कहते हैं, यानी चर्च क्रिश्चियनिटी शब्द मैं नहीं ले रही हूं, बार बार चर्च शब्द ले रही हूं, चर्च के क्रिश्चियनिज्म से मुक्त होने का, उसके अंधकार से, उसके पाप से, उसके तमस से, उसके अज्ञान से मुक्त होने का समय 19वीं 20वीं शताब्दी है। और यही 19वीं 20वीं शताब्दी क्या है? पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा। तो 15वीं शताब्दी के खत्म होने पर 1492 1498 कोलंबस वास्को डिगामा है, 16वीं 17वीं में यानी अगले 200 साल तक इनका जो प्रेजेंस है वो मार्जिनल भी नहीं है, मक्खी के बराबर भी नहीं है। कहां पर? अफ्रीका में, एशिया में और दोनों अमेरिका में, विराट दो अमेरिका जो महाद्वीप है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में इनकी उपस्थिति मक्खी और मच्छर की है, यद्यप मक्खी और मच्छर हैजा ला देते हैं, कॉलेरा ला देते हैं, मलेरिया ला देते हैं, डेंगू ला देते हैं, मतलब कष्टप्रद है, हानिकारक है, लेकिन इनका प्रेजेंस मच्छर के बराबर है। 16वीं गया, 17वीं गया, 18वीं में ये लूटपाट कर पाते हैं, थोड़ा बहुत सेटल कर पाते हैं, ये अटलांटिक के वेस्टर्न कोस्ट यानी दोनों अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के बॉर्डर पर ये थोड़े थोड़े से रह पाते। अगर 18वीं शताब्दी यानी 1770 तक, 1750 तक या 1799 तक आप जनसंख्या का अनुपात देखेंगे इन दोनों अमेरिका में, वहां के मूल निवासियों का और यूरोपियन सेटलर्स का, जाना आना लगा हुआ है, तो ये प्रोपोर्शन मेरी समझ से 10 और 90 का भी होगा, मेरी समझ से 5 और 95 का होगा। मैंने एग्जैक्ट इस पर कोई अध्ययन नहीं किया है, एक मोटा अनुमान है जो मैंने पढ़ा है उसके आधार। तो अब ये जो 19th-20th century है, जो डार्क एजेस के बाद एनलाइटनमेंट का एज है इनका, वो साथ साथ क्या है? साथ साथ है यूरोप में बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए बड़ी मात्रा में दोनों अमेरिका से, एशिया से फूड ग्रेन्स का आना, बाकी चीजों का आना, और इनके 1-2% लोगों के लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क पड़ा। जितनी भी पुस्तकें हैं कोलोनियलिज्म पर, इंपीरियलिज्म पर, एसेंट ऑफ वेस्ट पर, या यूरोप और अमेरिका के एक्सपेंशन पर, या इनके मॉडर्न पीरियड पर, ये सब हाइपरबोलिक यानी बेहिसाब बढ़ा के कहते हैं। और जिस तरह से मैं सेंचुरीज का हिसाब दे रही हूँ, उस तरह ये सेंचुरीज का हिसाब नहीं देते हैं। तो ये 500 साल में मोटा मोटी 200 साल तो गिनती योग्य नहीं है, जो तीसरी सेंचुरी है उसमें इनके मार्जिनल प्रेजेंस है, और चौथी और पांचवी शताब्दी में इनके 2-4%, 1%, 2%, कहीं पर 10%, इससे ज्यादा लोगों के लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क आना शुरू हो जाता है 19वीं और 20वीं शताब्दी। लेकिन ये फर्क भी मार्जिनल है, इतना मार्जिनल है कि उस समय के लिटरेचर यानी अर्ली 19th सेंचुरी के लिटरेचर में आप कोई आइडिया ऑफ प्रोग्रेस नहीं देखेंगे, कोई आइडिया ऑफ डेवलपमेंट नहीं देखेंगे, कोई आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट नहीं देखेंगे। ये सब 20वीं शताब्दी में लिखा गया, अनुभव किया, यानी कि यूरोप के कंगलों का संसार से जो संपर्क है उसके इम्पैक्ट को इनके इंटेलेक्चुअल्स के बुद्धि और चित्त ने
बीसवीं शताब्दी में नोट किया है और बीसवीं शताब्दी में आया है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। तो एक बार मैं रुक रही हूं आदित्य जी की टिप्पणी के लिए, फिर इसके आगे चल। एक्चुअली इतना मैं तो इधर रहता हूं तो मुझे मालूम है किस तरह प्रोग्रेस को बेचा जाता है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, और बार बार टॉन्ट किया जाता है भारत को, अदर कंट्रीज को, अफ्रीका को, आपके इधर कितनी गरीबी है, गरीबी का उपहास मनाया जाता है हर जगह। और कभी कभी ऐसा लगता है कि दे डोंट नो द रियलिटी, और हम लोग को डिफेंड भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मूर्ख को मूर्ख ही रहने देंगे तो उतना उसमें ज्यादा फायदा रहता है, उसको काउंटर करेंगे तो आप ज्यादा मूर्ख लगते हैं उस समय। तो मैं इनके बहुत सारे, कल मैं एक कॉन्फ्रेंस में था और मुझे बोला कि मजाक में मुझे बोला एक था, मैं वहां पे गेस्ट लेक्चर था, मेरा गेस्ट लेक्चर था, मुझे मजाक में बोला सो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया टुडे। वो बता रहे थे कि अमेरिकन रोड्स, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग एल्स। तो मैंने उनको सिर्फ एक टिप्पणी दी कि जितना भी ग्रोथ का आप अमेरिका में बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ का, तो ग्रोथ के दो लेवल्स होते हैं। एक तो है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि एक्चुअली में कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट है, और दूसरा है मटेरियल डेवलपमेंट, विच इज द ग्रोथ ऑफ फैसिलिटीज। और अगर आपका मेंटल इश्यूज बढ़ते रहेंगे तो अच्छी रोड्स का कोई फायदा ही नहीं है, आप टकराते रहेंगे, पागल होते रहेंगे, और 30% ऑफ अमेरिकन लिव ऑन साइकेट्रिक पिल्स, जो भी मेडिसिन खाते हैं। इंडिया में उसका विपरीत है कि जहां जहां पे सनातन धर्म की वैल्यूज है वहां पे पीपल आर मेंटली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हेल्दी, और उससे आपको पता लगता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जो मुझे ऐसा, हाँ बोलिए प्लीज। यहाँ पर मैं आपसे डिसएग्री कर रही हूँ, जो आप कहते हैं वही हम सब लोग करते हैं, एंड वी शुड स्टॉप दिस, क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे हैं यानी यूरो अमेरिकन्स, ये कौन है जो आज मैंने पूरा कथा सुनाया, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये जब बोले कि भारत में क्या है या कहाँ क्या है, तो हमको पहले जो आज मैं कह रही हूं, जो पहले दो तीन भाषण में कहा कि भाई आप तो अपनी भूमि पर नहीं हो, करेक्ट, शुरुआत यहां से करें, आप तो जी अपनी भूमि पर नहीं हो, अपनी भूमि से निकाल कर फेंक दिए गए, दूसरे की भूमि पर को कब्जा किया, नृशंस हत्याकांड से, जेनोसाइड भी हम क्यों कहें, हम अपने शब्द कहें ना, बिल्कुल, नृशंस हत्याकांड, बीभत्स अत्याचार से, और वहां भी तुम चैन से नहीं रह पा रहे। इतना कुछ इस कॉन्टिनेंट में तुमने कब्जा कर लिया, फिर भी यू डोंट नो हाउ टू मेक यूज ऑफ इट फॉर ए हैप्पी हेल्दी लिविंग। तो आप सारी दुनिया में हाय हाय करके जा रहे हो, जो मैंने इसके पहले वाले भाषण में बताया था, इलीगल नेशन स्टेट हो क्या रहा है, हम उनके डिस्कोर्स में डिस्कोर्स कर रहे हैं। मैं जो आपके सत्तोलॉजी में आपने जो अवसर दिया है उसमें प्रयास कर रही हूं भारतीय नरेटिव से चर्चा करने की, भारत के, भारत मतलब अल्टरनेटिव या एशियन या सनातनी, इसको बहुत तरह से कह सकते हैं, उस दृष्टि से उनको देखने की। तो हमको तो ये कहना पड़ेगा जी आप कहां विकास कर पाए हो, आप अपनी धरती से भगाए गए, स्वेच्छा से नहीं आए, आपको भर भर के भेजा गया, और 20वीं शताब्दी तक आप भागते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंटर वॉर पीरियड में, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो पूरा ईस्टर्न यूरोप है उससे लोग भाग रहे हैं, कम्युनिज्म से, रूस से लोग भाग रहे हैं। तो तुम तो अपनी धरती छोड़ छोड़ के पराई धरती पर भाग रहे हो, और चलो भाग गए, उनको मार काट रहे हो, उसके बाद भी जी तो तुम सुखी नहीं हो, दुनिया भर में हाय हाय करके रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हो, और देखो उसी धरती पर कितने करोड़ लोग सुख से रह रहे थे, और देखो आज भी हम लोग, केवल अपने लोग नहीं, अफ्रीकन लोग, बाकी लोग
कितने सुख चैन से बिना कहीं धावा मारे अपने रिसोर्सेज के उचित उपयोग को करना जानते हैं। जिस आप कल्पना कीजिए आदित्य जी, जिस दिन ये भाषा हम बोलेंगे, हमारे जवाब में क्या होता है? भले हम इसमें इतना कम है किंतु यहां तो हम ज्यादा हैं ना भैया। देखो जी, तुम भगाए हुए लोग, तुम कंगाल लोग, और यूरोप से कब भगाए जा रहे हो? जब तुम कह रहे हो कि हम दुनिया को जीत रहे हैं, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तब तुम पॉल्यूशन को रोक रहे हो, तुम रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट को रो रहे हो, तुम अपनी परिभाषा का एक नेशन स्टेट नहीं बना पा रहे हो। वो उनकी समझ में तुरंत आएगा। और कंगलों को अपने विषय में तो बात नहीं करने दिया जा सकता है ना। मेरे घर के बारे में या मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला तो बात नहीं कर सकता है ना। तो जब हम में ये बोध आएगा कि आज भी ये कंगले सनातनियों के दया के पात्र हैं, शुद्ध आर्थिक आधार पर, शुद्ध आर्थिक आधार पर तुमको आज भी यूरोप में चुनना पड़ रहा है भोजन या वॉर्म्थ। ये तो अभी हुआ है ना यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन वॉर में ट्रू यानी 21वीं शताब्दी के थर्ड डिकेड में यू हैव टू चूज फूड और वॉर्म्थ। वॉर ये तो किसी ने तुम्हारे इतने उत्पात के बाद भी, भाई 200 साल तुम लोगों ने नंगा नाच किया, इसके बावजूद ये संसार के किसी नॉन चर्च समाज को नहीं सोचना पड़ता है। अगर हम ये कहेंगे तो बोलती बंद होगी कि नहीं? 100% 100% दे वुड जेन्युइनली फील स्मॉल। तो हम चलिए फिर अपने मूल विषय पर आ रहे हैं, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। नहीं, आपने बहुत ही सुंदर बताया, बिकॉज वी हम लोग को उनके जो सोचने के बॉक्स के अंदर ही नहीं घुसना है, उससे बाहर रह के बात करनी है और अपना काउंटर पॉइंट देना है, तो तभी वो तो आप जो ये कर रहे हैं सत्तोलॉजी और मिथोलॉजी वाला, तो मिथोलॉजी के डिटेल को जान लिया, उनको कहा देख भैया तेरा ये है, और जब तू इससे निपट ले तब हम क्या है, सत्य क्या है, बात कर लेंगे कभी। एब्सोल्युटली अभी तो तू इससे तो निपट बच्चे, अभी अपने टट्टी से, अपने पेशाब से, अपने एंटीबायोटिक से तो निपट। बिल्कुल आज के दिन तो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पर फिर आते हैं कि ये जो 500 साल है इसको क्लियर डिवाइड कीजिए। पहला जो 2 सेंचुरी कुछ नहीं, मक्खी मच्छर। जो तीसरा सेंचुरी है, 18वीं सेंचुरी, मार्जिनल प्रेजेंस, मार्जिनल इनके पास कुछ आ रहा है। 19वीं और 20वीं, आखिरी 2 सेंचुरी में इनके 1-5% के लाइफ स्टाइल में डेंट पड़ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल डेंट। मैंने आप लोगों को यूरोप वाले सीरीज में बताया है, 20वीं शताब्दी में ये टट्टी, पेशाब, सड़ा हुआ मांस मिला हुआ टेम्स नदी का पानी लंदन के बड़े लोग पी रहे हैं, और ये उनके लिए एक महान चीज है। दुखी होके नहीं पी रहे हैं कि साहब देखो कैसा खराब समय आ गया है कि हम ऐसा पी रहे हैं, नहीं, उसका बड़ा विज्ञापन हो रहा है कि साहब पाइप वाटर हम दे रहे हैं, और वो पाइप वाटर क्या है वो सारा हवाले से मैंने आप लोगों को साक्ष्य के साथ उनकी पुस्तकों से पढ़ के सुनाया था। तो अब ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस 20th सेंचुरी फेनोमेना है। 20th सेंचुरी फेनोमेना क्या है? पहली लड़ाई हुई, पहले तो इसको यूरोपियन वॉर कहते थे, ग्रेट वॉर मतलब यूरोप का ग्रेट वॉर,
अब इसको ग्रेट वॉर नहीं कहना चाहिए था, बिग वॉर कहना चाहिए था। तो इनके पास भाषा नहीं है, इनके पास बहुत कुछ नहीं है। भाषा अगर होती तो ग्रेट तो नहीं कहते, जिसमें तुम्हारे अपने करोड़ से ज्यादा लोग कितनी गंदी मौत मरे हैं, वो ग्रेट कैसे हुआ भाई? वो बिग हो सकता है, विध्वंसक हो सकता है, वॉयलेंट वॉर हो सकता है, इंटेंस वॉर हो सकता है, ग्रेट तो नहीं था। बाद में उसको वर्ल्ड, जब दूसरी लड़ाई हुई तब इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहा गया, दूसरी लड़ाई के समय। तो पहली लड़ाई होती है, दूसरी लड़ाई होती है, फिर ये मार्शल प्लान आता है और यूरोप खड़ा होता है, अमेरिका खड़ा होता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ये जहां आदित्य जी बैठे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो यही कह रहा है ना कि यूरोप वाले मरे कटे, जर्मनी रूस फ्रांस का क्या करता है, रूस का क्या करता है, ये सब मिलके जर्मनी का क्या करते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं। कौन कहता है यूएसए वाले? अटलांटिक के पार क्या हो रहा है, हमारा उनसे कोई लेना देना? ठीक है हम वहां से आए, लेकिन हमारे साथ उन लोगों ने इतने अत्याचार किए हैं, हम उनके पचड़े में नहीं पड़े। पहली लड़ाई में पचड़े में पड़ जाते हैं, फिर दूसरी लड़ाई में पोजीशन लेते हैं, कम वॉट में हम तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ेंगे, कह कह के चर्चिल और बाकी लोग हार जाते हैं, ये पचड़े में नहीं पड़ते। जब जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है तब पचड़े में पड़ना इनकी मजबूरी होती। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते अमेरिका सारी दुनिया में उत्पात करने चल पड़ता है, सेना लेके, हवाई जहाज लेके, जलपोत लेके, क्या जरूरत थी भाई? अब शांति से तुम रह लेते। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस यहां से निकला। ये डरे लोग, ये सहमे लोग, ये मार काट से विध्वंस हुए लोग, नाश हुए लोग, घायल लोग, हाथ पांव से लाचार लोग, मानसिक रूप से दोनों लड़ाइयों के बाद यूरोपियन समाज में जैसी विक्षिप्तता आई है, यूरोपियन समाज, अमेरिकन समाज में नहीं आई, क्योंकि अमेरिकन समाज भूमि पर पहली और दूसरी लड़ाई नहीं हुई, और इंटर वॉर पीरियड का जो तनाव और जो भय है वो अमेरिकन समाज ने नहीं सहा। तो इसके बावजूद ये जो संसार भर के संसाधन इनके यहाँ निर्बाध रूप से, अनवरत रूप से आते गए, क्यों आते गए वो अलग से बात करेंगे। तो यहां से जन्मता है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। यस वी कैन ग्रो, यस स्टिल वी कैन ग्रो। ग्रो से क्या मतलब? यस स्टिल वी कैन हैव फूड, वी कैन हैव क्लोथिंग, वी कैन हैव शिप्स, वी कैन हैव एयर एयरप्लेन्स, वी कैन हैव दिस, वी कैन हैव हाउसिंग, वी कैन हैव गुड फ्लैट्स, गुड बंगलोज, वी कैन हैव इवन गार्डन्स, वी कैन इवन हैव हेल्थ फैसिलिटीज, वी कैन इवन हैव लेजर। हमको छुट्टी भी है, हमको अवकाश भी है, हमारा वो 5 दिन का भी हफ्ता हो रहा है, हम केवल 9 से 5 8 घंटे भी काम करके जी सकते हैं। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इज 20th सेंचुरी फेनोमेना, एंड 20th सेंचुरी इटसेल्फ इज ऑल्सो द आइडिया ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, द आइडिया ऑफ कि संसार समाप्त हो रहा है। यही 20वीं शताब्दी इसका भी है, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस के साथ साथ कि साहब भयंकर पॉल्यूशन है, साहब हिमयुग आ जाएगा, साहब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, साहब ये नॉर्थ पोल के पास जो आर्कटिक है, ये आर्कटिक का बर्फ पिघल रहा है, साहब ये बर्फ पिघलने से जल का स्तर ऊंचा हो रहा है, सब साथ साथ हो रहा है। आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और आइडिया ऑफ डिवास्टेशन, ये दोनों पैरेलल चल रहा है, लेकिन
चूंकि स्कॉलरशिप का यूरोप से और यूरोप का जो ऑफशूट है अमेरिका, इसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को ये अलग से अध्ययन करते हैं और डिवास्टेशन को ये अलग से अध्ययन करते हैं। ये 10-20 पुस्तक लिखेंगे कि वी आर ग्रोइंग, ये 10-20 पुस्तक लिखेंगे नो वी आर डाइंग, ये 10-20 पुस्तक लिखेंगे ऐसे हाथ बनाकर इसमें धरती माता का ग्लोब जैसा ये, और ये हाथ पुरुष का होता है, स्त्री का नहीं होता है, नाखून बहुत सुंदर कटे हुए होते हैं, एक स्वस्थ पुरुष का हाथ होता है, हम धरती माता को संभाल लेंगे। अरे उल्लू, तेरी हैसियत एक सैंड ग्रेन, रेत के कण के बराबर तेरी हैसियत नहीं है उल्लू। तू किसको संभाल रहा है जिसको तू अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकता है, हवाई जहाज से भी तू इसको देख नहीं सकता है, इसका एक नन्हा हिस्सा तू देखता है। ये क्यों है? स्कॉलरशिप का ट्रेडिशन नहीं है। क्या है? ये सब है मानसिक भ्रम, मेक बिलीव क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ भूमि से निकला हुआ तामसिक जानकारी। अब इसको अपने लोग ज्ञान बोल देते हैं, लर्निंग बोलो ना, नॉलेज बोलो ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलो ना, और नहीं हिंदी शब्द का प्रयोग करना है तो जैसे अपने रामेश्वर मिश्र पंकज जी हैं, आदित्य जी हैं, मैं तो उन्हीं का थोड़ा सुन सुना के बोल रही हूँ, मैं सब ज्यादा जानती वाली होती है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, क्योंकि ज्ञान तो की साधना तो पता नहीं किस बुद्धि के स्तर पर, चित्त के किस सात्विक तप से पूरित शांत जल के बराबर सामर्थ्यवान चित्त में ना ज्ञान प्रदीप्त होगा, दिखेगा। ये सब पगलेटों की खोपड़ी का मामला थोड़ी है, सारे पगलेट एक साथ लिख रहे हैं। आप अमेरिका में ही केवल देख लें तो जो इनके टॉप एकेडमिक सेंटर्स हैं, अब उसको विश्वविद्यालय मत बोलो ना भाई, यूनिवर्सिटी बोल के छुट्टी करो, इनका एकेडमिक सेंटर बोलो, इनका नॉलेज सेंटर बोलो, और इनके जो साइंस के हैं, अगर उनके जर्नल्स की आप लिस्ट बना लें, मोर देन 50% डिवास्टेशन की बात कर। बिल्कुल अरे भैया, करेक्ट ये जो अभी चल रहा है कि अंतरिक्ष में हम लोग जाएंगे और रहेंगे और घर बनाएंगे और यात्रा करने के लिए लोगों को भेज रहे हैं, इसीलिए ना धरती रहने लायक नहीं है, बाकी लोग मर खप जाओ। तो ये आइडिया ऑफ प्रोग्रेस 20वीं शताब्दी में है, 20वीं, और 20वीं ही शताब्दी में धरती को छोड़ के भाग जाने की बात है। 20वीं शताब्दी में स्वर्ग यही बनाएंगे, कारण गॉड महोदय ने धक्का मारा था तो मार दे धक्का, देख सुन चर्च वाले प्रीस्ट, हमको उस वाले हेवन में नहीं जाना, वहां फिर धक्का धुक्की का हिसाब है, हम यही अपना हेवन वेवन बना लेंगे। और फिर वो कौन आप लोगों का है, कौन से ट्विटर का मालिक वाली, एलन मस्क जो मालिक है, वो कहता है जी छोड़ छाड़ के भाग चलो, अपने ऊपर रहेंगे, जहां न सूरज है न धरती है न चांद है न तारा है न पेड़ है न पौधा है न नदी है न बाघ है न मछली है, तो तू यही धरती के भीतर घुस जाना, तेरे भागना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इतनी बुद्धि क्यों नहीं है? तू यही सबसे हंस बोल के रह लेना, यही रह लेगा, वो जितना रुपया खर्च करता है उड़ने के लिए दो चार प्राणी को ले जाता है, जितना तू नाश करता है उतने में यही बिल भी नहीं खोदना पड़ेगा। वो जिन लोगों को, 1 करोड़ लोगों को तूने रख रखा है इनक्लोजर में, वही लोग तुझे दया करके रहने का ढंग बता देंगे, वाई दे आर नॉट एबल टू थिंक दिस मच। इतना कॉमन सेंस एलन मस्क जैसों को क्यों नहीं है?
जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों को, आप लोग को तो ये बात करनी चाहिए कि भाई क्यों भाग रहे हो। अगर तुमको किसी होल में ही रहना है, किसी डब्बे में ही रहना है, तो बहुत सुंदर आनंददाई डब्बा यही बना देते हैं, गड्ढा खोद के तुमको यही रख देते हैं। तुमको अगर गोली वोली खाना है, गोली नहीं, हम गर्मा गर्म रोटियां, अमेरिका में ही वो लोग तुमको खाने को बता देंगे। फल पत्तियां कितना सुंदर है ये धरती माता, ये क्यों नहीं है? कई कारण है, हम तो दो तीन कारणों की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान का कोई काम ही नहीं है उस तामसिक भूमि में, ना ज्ञान, बहुत सारा चीज है वो आप लोग ज्यादा जानते हैं। और दूसरा, वर्तमान में भी क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ लोग संचालन कर रहे हैं वहां की सोसाइटी का, वहां की पॉलिटी का, वहां की इकोनॉमी का, वहां की हर चीज का। ऐसा तो नहीं है कि यूरोप और अमेरिका में स्वस्थ चित्त के लोग ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं। रावण के दरबार में विभीषण है, लेकिन विभीषण के हाथ में समझदार सुलझे हुए लोगों के हाथ में कुछ नहीं। मारीच भी तो है रावण के दरबार, मारीच कहता है ना वो तो नारायण है, उनसे युद्ध की मत सोचो, तू कहता मारूंगा तो बोलता तेरे हाथ से मरने से अच्छा वही जाके मर जाए। तो यूरोप और अमेरिका में भी श्रेष्ठ लोग हैं, तामसिक की जगह राजसिक हैं, कुछ सात्विक भी होंगे, लेकिन इनके हाथ में नहीं। तो आज का जो विषय है हम लोगों का, पहले मैं उस पर थोड़ा विस्तार कर लूं, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। तो ऐसे तामसिक चित्त के न्यू बॉर्न बेबीज के दिमाग में, अब ये तुलना भी फिजूल है लेकिन अब कर रही हूं, रोज कुछ ना कुछ एब्सर्ड आइडिया आता रहेगा, जिसमें एक एब्सर्ड आइडिया है आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। और क्या है कि साहब हम इधर से चलेंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अरे भाई, 1975 में तुम एक रिपोर्ट छापते हो क्लब ऑफ रोम की, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी पांच पगले बात करेंगे जी कि ये है लीनियर प्रोग्रेस, कोई बोलेगा एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस, वही दूसरे 150 आधे या पूरे क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ कहेंगे लिमिट्स टू ग्रोथ है, ये धरती जो है ये एक स्पेस शिप है, माने धरती ना माता है, ना ऑर्गेनिक है, ना इसमें अपना कोई जीवन है, ना श्री हरि विष्णु की ये बल्लभा, नहीं, ये एक स्पेस शिप अर्थ है जिसका फ्यूल लिमिटेड है, या तो इसी में रहो या डूब के मर जाओ। तो आज मैंने संक्षेप में दो तीन चीजों की चर्चा की, एक आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, एक स्वर्ग ही बनाएंगे। तो यूरोप अमेरिका से संबंधित किसी भी विचार की अगर हम चर्चा करें तो बार 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 याद रखें कि अपने 2500 साल के अस्तित्व में, और 2500 साल भी ये यूरोपियन सपना नहीं बताते हैं, ये तो अपना 1200 साल का बताते हैं। कैसे? ये जो रोमन साम्राज्य है और जो ग्रीस है, ये तो इनके अपने लेखकों के अनुसार भारतीय सेंट्रल एशिया की बस्तियां हैं, और पूरा का पूरा एशियन सनातन धर्म का प्रभाव है जिसको यूरोपीय कहते हैं। ये तो 8वीं शताब्दी के बाद चर्च के प्रभाव वाला ये जो सेंट्रल और मतलब आल्प्स के ऊपर वाला जो यूरोप है, जिसमें आज के दिन इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन पुर्तगाल तो नीचे है, हॉलैंड है, और बाकी सारी दुनिया भर के देश, जर्मनी वर्मनी 30-40 देश, इनका तो, इनमें तो मानवीय अस्तित्व की चर्चा भी 8वीं शताब्दी के बाद की है, और 8वीं से 18वीं हजार साल इनके अपने अनुसार इनका डार्क एज है। और डार्क एज तो बड़ा
नन्हा सा शब्द है, उसके डिटेल का एक हिंट मैंने आपको दिया है। अगर आप डार्क एजेज के चित्र गूगल पर जाके देखेंगे तो मैं तो देख ही नहीं पाती हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। तो जब भी इनके किसी इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट की को समझना चाहे तो ये बैकग्राउंड जरूर याद रखें। इस बैकग्राउंड के बिना उस कंस्ट्रक्ट को नहीं समझा जा सकता है। और केवल 200 साल इनका इनलाइटेनमेंट का पीरियड है, तो वो कैसा इनलाइटेनमेंट है? ये 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में एक महिला को चुड़ैल कहकर कानून के द्वारा सजा दिया गया, वो आखिरी चुड़ैल सजा है। बट लॉ तो लॉ तो 2021 में खत्म हुआ है, विचक्राफ्ट लॉ जो है 2021 में खत्म हुआ, 2 साल पहले खत्म हुआ है। कहां? 3 साल पहले, अमेरिका में, इंग्लैंड में। अरे बाप रे, ये मुझे नहीं पता। 2021 में खत्म हुआ है, और जो जो ब्रिटिश लॉज है सारे अमेरिकन लॉज में एक्सेप्ट होते हैं। तो यानी अमेरिका में 2021 तक वुमन को चुड़ैल मानना है? कुछ लोग मानते थे, लेकिन ये इंग्लैंड में 2021 में खत्म हुआ है। तो अमेरिका में जो भी इंग्लैंड के लॉज, कानून में सोसाइटी में सोसाइटी तो चल रही है वैसे की वैसी। चर्च में? नहीं, चर्च का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, चर्च में तो आप मान सकते हैं। सूद या लो 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 करके गिर जा रहे हैं वही है ना। तो एक ऐसी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल कॉस्ट मैंने तो स्वयं देखा है अपने लोग के यहाँ जो होता है ना गांव में, जो सनातन टाइप का होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्वीट सा होता है, कुछ स्वीट होता है, बड़ा इंटरटेनिंग। लेकिन वो तो इतना माने क्या कहें उसको, कुछ नहीं कहना चाहते। तो मेरा ये कहना है कि नहीं, इनके जितने भी चर्चेस बनते हैं नेटिव अमेरिकन उसके लैंड के ऊपर, मैं उनको भूत बंगला बुलाता हूँ, भूत बंगला, क्योंकि आप वहां पे घुसते हैं आपको लगता है हूँ पता नहीं कौन सी दीवार से कौन रो रहा है। इससे फुल कॉमेडी, मतलब मुझे हंसी आ जाती है कभी कभी कि लोग बड़ा सीरियसली पूजा कर रहे हैं लेकिन आवाज आ रही रोने की कहीं ना कहीं से ऐसे करके। तो भाई इसलिए आती है ना कि चर्च के अपने अनुसार शैतान पावरफुल है। हाँ एग्जैक्टली, लूसिफर वो ज्यादा पावरफुल है ना। तो खैर, तो मेरा जो आज का कहना, नहीं तो आप हंसेंगे तो मेरा भी मन उधर भागेगा, रुक जाइए मुझे गंभीर रहने दीजिए। कि किसी भी इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट को अगर हम भारतीयों को या हम सामान्य मनुष्यों को जो पागल वागल नहीं है उनको अगर समझना है, तो ये जो इनका जो वास्तविक जीवन रहा है, अगर मजाक में कहें उनकी हंसी आ रही है, पगलेट कंस्ट्रक्ट का को समझना है तो पगलेट बैकग्राउंड को जाने बिना नहीं समझा जा सकता है। तो आज के लिए 48 मिनट, क्योंकि अब आपकी हंसी इन्फेक्शियस हो गई है, मुझे भी मजाकिया बातें सूझने लग गई है, अब गंभीर बात से मन हट गया। एक पेंसिल्वेनिया में अमिश कम्युनिटी है, अमिश कम्युनिटी, वो काफी अच्छे सात्विक लोग होते हैं, मतलब राजसिक लोग तामसिक, राजसिक तामसिक में आएंगे, उनके लिए वही सात्विक है। अब हमारे लिए सात्विक का डेफिनेशन अलग है, लेकिन इनके लिए वही राजसिक और तामसिक है। कभी कभी प्रचार करते वक्त हम लोगों को उनसे, उनके साथ मिलके दूसरे लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोग और भी तामसिक है, घोर तामसिक। और तो जब उनका कम्युनिटीज में जाते हैं और किस तरह वो लोग रहते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको कभी भी शक हो जाएगा। मुझे तो बहुत बार शक हुआ कि कौन किसके साथ है, मुझे समझ में कभी नहीं आता था कौन किसका पत्नी है, कौन किसका भाई है या बहन है, या किसके साथ रह रहे हैं, वो मुझे कभी समझ में आया नहीं ठीक से।
और जबकि मैं बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर हूँ, अपने आप को मानता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मानता हूँ मैं कि मैं इंट्रिंसिकली बड़ा डीप में स्टडी मेरी स्टडी करता हूँ, लेकिन वहां पे जाके मुझे समझ में नहीं आता था। फ्लोरिडा में कुछ कम्युनिटीज हैं जहां पे आज भी बच्चों को यही सिखाया जाता है, भूत बंगला वाला, कि चुड़ैल उड़ के आएगी झाड़ू के ऊपर बैठ के, और वो आएगी और इधर से, और उनमें से कुछ लोगों को बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो लॉ में रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। बहुत सारे चर्च में भूत झाड़ना, चुड़ैल झाड़ना तो मेन काम है ना। मेन काम है, करेक्ट भैया। आप देखिए, चुड़ैल और भूत ये अकेले में नहीं झाड़ते हैं, ये 150 लोग को इकट्ठा करके झाड़ते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इनको तो अपने गॉड पर भरोसा नहीं है, इनको अपने जीजस पर भरोसा नहीं है कि गॉड और जीजस के रहते हुए भूत प्रेत चुड़ैल नहीं आ सकते। तो ये सोसाइटी कितनी सिक सोसाइटी है। अभी तो अपने लोग का काम ही है इनसे डील करना है, अभी 25-50 साल इनको सुधारने की स्थिति में हम लोग नहीं है, तो हम इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कौन किसकी पत्नी बहन माँ है, भाई जो सोसाइटी, जो मनुष्य अपने ऊपर जीवन के लिए आवश्यक अनुशासन का बोध नहीं रखते, उसका पालन करने का सामर्थ्य और दम नहीं रखते, वैसे समाजों के कंस्ट्रक्ट को हमको समझना है, टू हैंडल एंड टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दैट। हमको इसलिए नहीं समझना है कि हम उसको अपने ऊपर हावी हो जाए, हमको उसको इसलिए समझना है कि वी कैन पुश दैट आउट फ्रॉम आवर लाइफ। मेरा तो अभी क्यों समझते हैं, अभी समझने की कोशिश होती है टू एडमायर, टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज, हाउ टू एडॉप्ट। और इसमें ये गलती श्रेष्ठ लोग भी करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों की कल्पना के बाहर है ऐसा भूत लोग। अपने यहां तो भूत भी सुंदर है। आप देखिए रामचरितमानस में भगवान शंकर की जब बारात जाती है, हमारे, मैं तो काशी की हूं ना, तो काशी में शिवरात्रि के दिन भूत सब निकलते हैं, झूमते गाते पीते, और सब लोग उनको खिलाते पिलाते हैं, कोई डरता ही नहीं है। They are constant source of happiness. They are sweet. इनकी तरह मनोरोगी तो हमारे यहाँ भूत भी नहीं है भाई। हमारे सब भूतों को तो जगदम्बा अन्नपूर्णा भोजन कराती है, भोजन कराती है, मारती थोड़ी है वो, कोई लूसीफर की संतानें नहीं है, जगदम्बा के और महादेव जी के गण है सब। तो हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका जो एक लिमिटेशन है कि वो इस विकृत चीज को जानते नहीं है। मेरा और मिश्र जी का जो स्ट्रेंथ है, बड़ा स्ट्रेंथ है, रेयर स्ट्रेंथ है, वी नो देम। सिंस वी नो देम, हम उनके कंस्ट्रक्ट्स को एक सही जगह रख के देख लेते हैं। बाकी लोग उनके कंस्ट्रक्ट के शब्दों को भारतीय मन और भारतीय चित्त के शास्त्रार्थ में ले जाते हैं। माने बिना समझे आप टट्टी को खिचड़ी बनाकर थाली में परोस लेते हैं। खिचड़ी का उदाहरण मत लीजिए, खिचड़ी का उदाहरण मत लीजिए। अपने हाथ तो कोई भी गड़बड़ उदाहरण, जो लोग ये ठीक नहीं कर, ये तो बिल्कुल नहीं लोगी, हम लोग के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। आप उन लोगों को जानती हैं जो खिचड़ी बनी रहते हैं, उनको जानती हैं आप।
मेरे साथ क्या था, मेरा जो ननिहाल नाना जी नानी जी के पास पटना में था, तो मेरे एक मामा जी थे, अब नहीं रहे, ललित मामा जी। तो खाने की टेबल पे वो और नाना जी, वो जो टट्टी का जो वर्णन शुरू करते थे, तेरा कैसा हुआ, तेरा कैसा हुआ, तेरा कैसा हुआ, तो मेरी सेंसिटिविटीज बचपन के 2 महीना के ननिहाल ट्रिप में एकदम सेट हो चुकी है। तो मैं खटाखट टट्टी बात कर लेती हूँ, बाकी लोग कहते हैं स्टॉप इट स्टॉप इट, वी कैन नॉट हैंडल स्टॉप इट। फिर तो स्वामी रामदेव जी के यहाँ गई, बोली महाराज जी, बोले चुप हो जाओ बहन, यहाँ गई। फिर बोले महाराज जी बताना पड़ेगा, तो बोले एक दिन मैं सबको सावधान कर दूंगा कि सब खा पी रहे, या तो खाओ पियो नहीं, या खाने पीने की इच्छा मत रखो, तब बहन को सुनना। तो मुझे मेरे मामा ने ननिहाल में, मैं एकदम आपकी वजह से बाबा रामदेव ने मुझे बिठा के अपने सामने भोजन कराया, आपकी वजह से। तो अंदर रूम में लेकर गए। हाँ, मैं एक्चुअली, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी माँ के घर में ही हूं मैं। इतने प्यार से वो बैठ के पहले इनको भोजन कराओ, और उन्होंने अपने ही रूम में मुझे बिठवाया कि वहां पे जाके भोजन करो। एंड बहुत मुझे अच्छा लगा, यू नो, वेरी पर्सनल टच। बड़े लोग कैसे होते हैं, देखना है तो स्वामी जी को देखो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक पर्सनल। फोन कर दो तो जो ममता, जो बड़ा, सोचिए आपको लगा कि अपने माँ के घर में बहुत बड़े आदमी, और अपने यहाँ सन्यासी हर क्षेत्र में बड़े ही लोग हैं। इन बड़े लोगों को कल्पना ही नहीं है कि ऐसी क्षुद्रता भी हो सकती है। तो आज 56 मिनट 57 सेकंड हो गया, खराब गले के साथ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों को बहुत ही आनंद आएगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपने बोली आज, वो ये है कि हमको उनके डिस्क्रिप्शन को अपने धार्मिक तरीके से सोचना नहीं चाहिए, इनके डिस्क्रिप्शन को उन्हीं की तरह सोचना चाहिए, उन्हीं के इतिहास से उनको तुलना तुलना करनी चाहिए। उसको हम लोग जैसे रिलीजन को आप न धर्म बनाए, न इनके आइडिया को प्रोग्रेस, अपना आइडिया प्रोग्रेस माने, उनका आइडिया ऑफ प्रोग्रेस उनके हिसाब से समझे कि वो क्या समझना चाहते हैं। और और दर्शकों को उनके अगर, लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन करेक्ट, अभी पगलेट कह के हंस लेते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए वो हमारा अपना परिवार है। करेक्ट, तो दया, करुणा, दायित्व तो बोध कितना अधिक बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली क्या है कि जब ये लोग, आपने बिल्कुल सही बोला कि सभी अमेरिकन ऐसे नहीं होते। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बड़े सिंपल होते हैं, घर पे आते हैं। हमारा मेरे पास तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात करने जा रहा था, 2-3 लोग बैठे हुए हैं अभी, वेट कर रहे हैं 1 घंटे से मेरा, शांति से बैठे हुए। और रात का भी रिकॉर्डिंग का समय, तो अभी काफी लेट है इस समय, और अभी बैठे हुए हैं शांति से। उनको मालूम है, और मैं जाके उनसे बात करने वाला नहीं हूँ। मेरा पूजा का समय, कभी कभी लेट नाइट में पूजा कर, दिन में नहीं कर पाता हूँ, तो रात में करता हूँ पूजा, तो फिर भी वेट कर रहे हैं। तो मतलब ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। और बहुत ऐसा अच्छे लोग हर जगह हैं, हर हर जगह जगह। अच्छे। और मैं आपसे एक और विषय में बात सिस्टम करूंगा, सिस्टम दुष्टों के। हाँ जी, एक और विषय में बात करूंगा, थेरेपी वाला एक टॉपिक हम अलग कवर करेंगे कि किस तरह थेरेपी को प्रोफेशन बना दिया गया, और उसमें झूठ झूठ तरह की थेरेपी बेची जा रही है, और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, कंसिस्टेंटली मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसे एक थेरेपी चल रही है आजकल, काफी कमजोर, काफी करीबी लोग करते हैं, हॉर्स थेरेपी। आप भी हॉर्स की थेरेपी कर रहे हैं या आप अपनी थेरेपी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन, और फिर एक थेरेपी बना दिया गया है, पेरोवियन शमनिज्म थेरेपी। शमनिज्म जो शब्द है वो एक पेजोरेटिव वर्ड है चर्चिज्म, चर्च की लैंग्वेज में। शमन हमारे यहां भी चमन शब्द है, चमन मतलब हम किसी को बोलते हैं ना कि आप चमन सी है, मतलब कुछ और ही बोल देते हैं हम, मीन्स हाईएस्ट कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे जो नेटिव कल्चर्स को का यूज करके उसमें अभी वही टट्टी वाली खिचड़ी बनाते हैं और उसको परस देते हैं, और बेच क्या रहे अभी हैं, चलेगा, अभी चलेगा, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी बेच रहे हैं। और अभी कोविड में बहुत कुछ चलेगा। बहुत कुछ चलेगा, कोविड में कितना चला,
और मैं तो भारतीयों से बोलूंगा कि कुछ भी ना सीखे, भारत में आयुर्वेद है, भारत में आयुर्वेद आचार्य हैं, भारत में योग आचार्य हैं रामदेव बाबा जैसे, आप उनसे सीखे क्योंकि वो सभी ने अच्छा अध्ययन किया है। योग सूत्र पे रामदेव जी का, रामेश्वर मिश्र पंकज जी हमारे चैनल पे आते हैं, उनका दर्शन देखें, अभी उनका सीरीज चलना शुरू हुआ है, उनका आत्मा परमात्मा विश्लेषण आने वाला है, जबरदस्त विश्लेषण। सो दोज आर द थिंग्स, आप वहां पे आपको शुद्ध ज्ञान मिलेगा, हमको किसी की ओर देखने का जरूरत नहीं है, अब किसी की ओर देखने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अब इस आज के समय में। और इनके जितने भी नए नए हथकंडे चलते हैं, जैसे आज मैं बकरी योग वाले से मिला, बकरी योग, वो बकरी योग सिखाते हैं, पीठ बकरी योग पीठ के ऊपर बकरियां चलती हैं और आप योग कर रहे हैं। पीठ के ऊपर बकरियां चल रही हैं और आप योग कर रहे हैं, ये सब ना चलेगा? विकृत विकृत है ना, चित्त विकृत है, स्वस्थ होने में बहुत समय लगेगा, ये इतना आसान थोड़ी है। संचित उनके पापों का फल है, वो भोग रहे हैं, ये सब अभी चलेगा। नहीं, कभी मैं आप मुझे अवसर देंगे तो मैं रामायण से एक प्रसंग सुनाऊंगी, राक्षस क्या होता है, तब इनको समझ में आपके आ जाए। निरंतर क्षुधित, निरंतर तृषित, बेरगर चलिए आज नहीं हम यहीं होता। पे, आज यहीं पे हम रोकते हैं, और दर्शकों को बोलूंगा आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए कुसुमलता जी का, और हमारे चैनल पे धर्म ग्लोबल व्यू करके एक प्लेलिस्ट है, आप जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो लोगों ने सुना ही नहीं होगा। और एक एंशिएंट हिंदू करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप देखिए जाके, ऐसे ऐसे ऑथर्स के प्लेलिस्ट हैं, और मैं खुद ही भूल गया था, इतने सारे डिस्कशंस हो चुके हैं, 1500 वीडियोस हो चुके हैं, मैं भूल गया था कि ये भी हम लोगों ने किया है शुरू में, वो भी आप देखिए, एंशिएंट हिंदू व्यू, और उसमें भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा हमारी प्लेलिस्ट में, आप जाके चेकआउट करिए, यू लव इट। सो अगले समय तक हम वापस मिलेंगे, कीप वॉचिंग, शेयरिंग, लाइकिंग, और लोगों को बताएं सतोलॉजी के बारे में, और मिथोलॉजी शब्द का प्रयोग 2024 से बंद कर दें, सिर्फ सतोलॉजी शब्द यूज करें हमारे इतिहास के लिए। टिल देन नमस्ते और जय जगन्नाथ, आई विल सी यू इन द अनदर शो। जय जगन्नाथ।